एमपी के हरदा जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लहराते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में हरदा एसपी अभिनव चौकसे ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। युवक की पहचान के बाद छिपावड़ थाना पुलिस द्वारा पूनम उर्फ कल्लू बबिश्नोई के गिरफ्तार कर लिया गया। पूनम से पूछताछ कर मांदला निवासी दीपक यादव का होना बताया। पुलिस ने दीपक के पिता भागीरथ यादव को मांदला बस स्टैंड से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों पूर्व व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, पिस्टल रहने वाला लहरा कर वीडियो एक व्यक्ति वायरल कर रहा था। तो वायरल वीडियो की जांच की गई और उसमें उन लोगों का पता लगाया गया कि कौन है ये। तो मांडला का एक पूनम बिश्नोई करके है, वो पाया गया और पिस्टल ले रहा था। और उसके साथ में जो व्यक्ति था वो दीपक यादव, वो भी मांडला के हैं, ये दोनों दोस्त हैं। तो इनकी तलाश की गई और दीपक को मांडला से पकड़ा गया। उसके पास में और पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।